आम देश में महिला मान देखा जा विभिन्न प्रकार ऋतुस्राव समस्या मध्य अस्वाभाविक ऋतुस्राव एब्नॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग एक प्रमुख कारण रही आम अस्वाभाविक ऋतुस्राव कौन बुझे कौन कह जहाँ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल ऋतुस्राव थाए जदि किसी व्यतिक्रम घटे आम अस्वाभाविक ऋतुस्राव कही था स्वाभाविक ऋतुस्राव माने नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल तीनोटी दिग उपरे देखिथाउ केते दिन अंतर रे जने महिला तांकर ऋतुचक्र ऋतुस्राव होउछि केते परिमाण रे होउछि अब केते दिन पर्यंत होउछि एई तीनोटी कथा देखिथाउ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल स्वाभाविक ऋतुस्राव रे गोटे महिला 24 दिन रु 35 दिन मध्य अंतर ऋतुस्राव तांकर होइथाय आउ से ऋतुस्राव टी 4-8 दिन पर्यंत थाए एवं पाखापाखि 5 ml रु 80 ml पर्यंत ब्लीडिंग एही ऋतुस्राव मध्ये होइथाय एही जो आमे कहिलु केते दिन भीतर रहब केते दिन पर्यंत रहब केते परिमाण रहब एही जदि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल रु जदि कोनोसी व्यतिक्रम घटे जदि जेपर कि बहुत दिन पर 35 दिन पूर्व हुए किंबा 24 दिन पूर्व 20 दिन 22 दिन जदि मेंस्ट्रुअल साइकिल आसी जाए किंबा जदि 8 दिन पर भी ब्लीडिंग लागि रहे किंबा जो 80 ml ब्रीडिंग आम कही था नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जब अधिक जाए तो आम जापर यह गोटे अस्वाभाविक ऋतुस्राव होता है आम जो देखे केते दिन गला से आम काउंट कर ऑब्जेक्टिवली किंतु केते परिमाण रे होची जे 80 ml जहाँ कहलु ता मापिबा बहुत पेसेंट मान पाखे गोटे कठिन काम होता है आम भी जापर भी कहीं पेसेंट के ब्लीडिंग होगी बहुत होता है क्या भी कम हो पाए तो आम कतोटी दिग पर देखो पचार पेसेंट को तुम्हें कतोटी सानिटाइजर पैड यूज करतीदिन जी तीन टी अधिक यूज करती किंबा जदि चेका चेका क्लट जदि पास करती ऋतुस्रवे तेल आम जानी था इनडायरेक्टली ऋतुस्रव अधिक ब्लीडिंग एब्नॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग से गोटे ब्रॉड टर्म यहाँ मध्य केते प्रकार रोग को विभक्त कराई आम यही एब्नॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग को पाखापाखि 4 प्रकार धरी था 4 प्रकार कौन प्रथम प्रकार एक्यूट एवी माने एमती गोटे पेसेंट आसी तार यही प्रथम थर पर बहुत गुड़े रक्तस्राव होती गोटे हस्पिटल एडमिशन दरकार पड़े इमीडिएट इमरजेंसी ट्रीटमेंट दरकार पड़े कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन दरकार पड़े किंबा से ही ब्लड ब्लीडिंग को बंद करने को छोट माइनर बीएनसी ऑपरेशन किंबा किसी हार्मोन ट्रीटमेंट हाई डोज देवा पड़े ताहले एक्यूट एवी किंबा एक्यूटली इमरजेंसी कंडीशन भी धरी था सेकेंड प्रकार हूँ क्रॉनिक एवी क्रॉनिक अस्वाभाविक ब्लीडिंग समस्या यही कंडीशन कौन थे पेसेंट टी 6 मास रु ऊर्ध समय धरे ए रोग से पीड़ित थे स्वाभाविक ठारू अधिक ब्लीडिंग होते बेसी नुहे से हटात इमरजेंसी ट्रीटमेंट दरकार किंतु यार स्थायी समाधान दरकार पड़े तृतीय प्रकार हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग माने यदि ब्लीडिंग रो परिमाण अधिक होता है कि ब्लीडिंग बहुत दिन पर्यंत 8 रु अधिक दिन पर्यंत यदि ब्लीडिंग हुए आउ इमिति भी कहि कि कौन से जिते ब्लीडिंग अच्छे यदि ता गोटे महिला शारीरिक सामाजिक और मानसिक जो कार्यकलाप को इंटरफेयर कैसे हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग करपोज गोटे ब्लीडिंग 7 ग्राम हेमोग्लोबिन अच्छे ताकि जब 50 रु अधिक ब्लीडिंग हुए भी विपज्जनक हो पाए आउ गोटे प्रकार ब्लीडिंग अच्छे इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जहाँ चतुर्थ प्रकार ब्लीडिंग ये कौन हुए जे जड़े महिला स्वाभाविक ऋतुचक्र समय ऋतुस्राव होता है कि मझे मझे ब्लीडिंग हुए से मनकर ये ऋतुचक्र ये दिन और तार नेक्स्ट पीरियड मझे केतल भी इराटिक भाव में ब्लीडिंग हो पाए ताकि इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कही था आर गोटे कारण कतेज महिला जो दिन ओवुलेशन होता है बाकी मेन्स 14 दिन में से दिन में टी ब्लीडिंग यहाँ फिजियोलॉजिकल कह नॉर्मल कही था आम कि 2-3 दिन साइकिल ऑब्जर्व कर देखीद हाँ ठीक ये 14-15 दिन तार मेन्सुरेसन आम ये अस्वाभाविक कही था कि 4 दिन 3 दिन 2 दिन जब ब्लीडिंग यहाँ यूजुअली कि गोटे बहुत गोटे गंभीर समस्या जो होता है तार परवर्त निरूपण चिकित्सा दरकार पड़ता है प्रकृति जहाँ मुझे कहली गोटे ब्रॉड टर्म मानते अम्ब्रेला लाइक टर्म आमर गोटे
विश्व प्रिय प्रसूति रोग विशेषज्ञ संघ अच्छी से बर्तन सबुआड़े टर्म टाक गोटे स्टैंडर्डाइज वे समस्त सब पृथ्वी विभिन्न कोण से जिते स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ अच्छे ताक व्यवहार करेंगे वर्गीकरण क्लासिफिकेशन कर अनुसार से दुई प्रकार भाग में ब्रडली कर गोटे जो कौन सी गठनाकृति समस्या जदि यूट्रस कि महिला मान प्रजन अंगी किसी गठनाकृति समस्या थाएं प्रथम वर्गीकरण कर द्वितीय किसी गठन यूट्रस नर्माल सैज अच्छी किंवा तहारे कौन सी गठनाकृति प्रॉब्लम नहीं किंवा हार्मोन किंवा अन्य कौन सी कारण जो द्वितीय भाग में व्यवहार है आम जब प्रथम भाग में देखा तार से क्लासिफिकेशन को आम पाम पॉइंट क्लासिफिकेशन कही पाम मीन आर प्रति पी ए एल एम या द्वारा पी रे प्रथम कौन सी यदि गोटे यूट्रस गर्भाशय कौन सी ट्यूमर टा बाहर को प्रोजेक्ट करके थाए सी कैंसर न थाए कि बाहर को गोटे मंस आकृति प्रोजेक्ट करके यूट्रस भितर बाहर को थाए ताल भी ब्लीडिंग कराई आते गर्भाशयटी पूरा भाव में फुलिक चारिदिक फुलिक रही जाए आम एडेनोमायोसिस रोग कही था से बहुत पेट व्यथा हुए मेन्स मैंने बहुत बढ़िया ब्लीडिंग होता है। तृतीय कारण हूँ फाइब्रॉइड यहाँ तो 30-40 भाग महिला मैंने यही रोग से पीड़ित होता है कि यह बहुत महिला फाइब्रॉइड रोग देखाई थे सी मैं ब्लीडिंग करे आउ चतुर्थ कारण हूँ एम फॉर मैलिग्नेंसी गर्भाशय गर्भ मुख द्वार कि गर्भ द्वार किसी कैंसर किसी लक्षण हुए ब्लीडिंग होता है। ये सब तो गला गठनाकृति किसी आबनॉर्मलिटी थाए ब्लीडिंग होता है। और द्वितीय प्रकार जमी कहल किसी गठनाकृति यूट्रस किसी आपड़ा अल्ट्रासोनोग्राम करेंगे आपको कौन सी गठनाकृति प्रॉब्लम रही ताल भी ब्लीडिंग हुए जपरिक देखो यदि कौन सी महिला कोआगुलेशन डिजॉर्डर मीनस आम जमी कौन से जगह कट हो गले को ब्लीडिंगटा आपे आपे बंद हो जाए कहीं आम देह गोटे कोआगुलेशन मेकानिजम टे समन्वय हिसाब से कम करी किसी डिजॉर्डर थे कोआगुलेशन डिजॉर्डर जब महिला को थे कि कौन से औषध खाऊ जमी आस्पिरिन कितक महिला जब कौन सी हार्ट ऑपरेशन किसी था मैंने रक्त पतला करने के प्रकार औषध खाई था कि देखते पुह मान क्षेत्र में किसी हबार ना कहीं झील पी मान किसी हार्ट ऑपरेशन होने हार्ट को रक्त पतला तरल पतला रखा जो औषध था भी सेमती भाव में ब्लीडिंग होता है। आ गए ओवुलेशन डिजॉर्डर मीनस आमर गोटे स्त्री मानक हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सेस अच्छी जो हार्मोन तैयारी हुए यदि से किसी डिजॉर्डर कि असमन्वय घटे ताल भी एक प्रकार ब्लीडिंग होता है। आमर मोस्ट कमन गोटे गोटे यंग झील मान पाखे पीसीओडी गोटे रोग अच्छे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जहाँ बहुत कमन देखा जाए गोटे किशोरी मानक से ही समय यही कारण जो असमित ब्लीडिंग होता है। आम ओडिशा रे गोटे बहुत प्रकार मीत बा अपसंस्कृति रही बहुत महिला मैंने आम पाखक यू प्रॉब्लम नहीं आसवाक लाज करती डाक्टर पाखक जाने संकोच करती कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन से निजे बुझा दरकार यदि से पाखे जब देखा जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत जल्दी जल्दी हो जाए 20 दिन को थे कि 22 दिन थे हो जाए कि 8 दिन रु अधिक दिन पर्यंत ब्लीडिंग लगी रोचे कि ब्लीडिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल सरला पर बारंबार ब्लीडिंग होने आम कहू जो ब्लीडिंग समय जब चेका चेका क्लॉट पास करते देखा कि आम देखीचे बहुत महिला मैंने भावते मेन्स रहा समय मानते मेनोपोज होगा समय यही प्रकार व्यतिक्रम मेन्स्ट्रुअल साइकिल घटे से गोटे भावते यहाँ गोटे नर्माल फिनोमेना से आम पाखक बहुत डेरी आसने कि आम देखीचे बहुत समय जो मैंने ये समय की जब आरंभ होता कर प्रपर चिकित्सा करेंगे तो प्रकार जल्दी मुक्ति पाइबे। आम देख लु जे गोटे बहुत गुड कारण अच्छे यहाँ गोटे किशोरी ठारे कि गोटे रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वोमेन पेरी मन वोमेन भी सो कौन सी महिला बर्ती पारे सपोज आप गोटे छोट झीओटे आसीचे
ତାହେଲେ ଆମେ 19-20 ବର୍ଷର ଝିଅ ଭିତରେ 20 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଆସେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ମେନ୍ସଟ୍ରୁଆଲ୍ ସାଇକେଲ କେମିତି ଅଛି ସବୁ ତା ବିଷୟରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଛରୁ ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ଭାବୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଓଭୁଲେସନ୍ ରେଗୁଲାର ବା ହରମୋନର ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କିଛି ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଇଥାଉ ଯେମିତି ସେଥିରେ ବ୍ଲଡ୍ରେ କିଛି କୋଆଗୁଲେସନ୍ ରିଜଲ୍ଟ କିଛି ନଥାଏ କିମ୍ବା ହରମୋନ୍ ଟେଷ୍ଟ ବି କରାଇଥାଉ ଏବଂ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରାଇଥାଉ ଯଦି ସେଥିରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଇଏ ପାଇ ସେଇ ଭିତରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଏହାର କ୍ଲୁ ପାଇଥାଉ ଯେ ଏଥିରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇ ରୋଗ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ୟୁଜୁଆଲି ଆମେ ହରମୋନ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥାଉ ଯଦି ଗୋଟେ 40-45 ବର୍ଷ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ଏଜ୍ ଭିତରେ ଥାଉ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବ୍ଲିଡିଂ କୌଣସି ଗର୍ଭଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅଛି କି ନାହିଁ ବହୁତ ସମୟରେ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଆମେ ଲୁଚାଇଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କୌଣସି ଗର୍ଭ ଥିବ ଗର୍ଭ ନିରୋଧ ବଟିକା କିମ୍ବା ଗର୍ଭପାତ କରିବା ପାଇଁ ବଟିକା ଖାଇଥାନ୍ତି ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ୍ କରୁ କି ଏଥିରେ କିଛି ଗର୍ଭଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଜଡ଼ିତ ଅଛି କି ନାହିଁ ଯଦି ଗର୍ଭଜନିତ ସମସ୍ୟା କିଛି ଜଡ଼ିତ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ସେମିତି ଟାଇପ୍ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥାଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଦେଉ ଯେ ଏଥିରେ କିଛି ଗର୍ଭଜନିତ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆବର୍ସନ୍ କିମ୍ବା ଏମିତି କିଛି ବଟିକା ଖାଇକି ଗର୍ଭପାତ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବି କରି ଧରୁ ତାପରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ହିଷ୍ଟ୍ରି ନେଇକି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲିଡିଂ ସମୟରେ ବହୁତ ପେନ୍ ହେଉଛି ଯଦି କିଛି ଗଠନାକୃତି ଅସୁବିଧା ଥାଏ ତାହେଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ପେନ୍ଫୁଲ୍ ବ୍ଲିଡିଂ ହୋଇଥାଏ ମେନ୍ସଟ୍ରୁଏସନ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ପେଟରେ ତଳି ପେଟରେ ବହୁତ ଦରଜ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା କରିଥାଉ ତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ବହୁତ ବଡ଼ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏଥିରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପଲିପ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଫାଇବ୍ରଏଡ୍ ୟୁଟ୍ରସ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଆଡେନୋମାଇସିସ୍ ଅଛି ଏମିତି ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଧାରଣା ପାଇଥାଉ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରି କରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପର ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ କରୁ ଗାଇନାକୋଲୋଜିକାଲ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ ବା ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ କରୁ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଗର୍ଭାଶୟଟା କେମିତି ଅଛି ଗର୍ଭାଶୟ ମୁଖଟା କେମିତି ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ସେଥିରେ କିଛି ଘା କିମ୍ବା ସେଥିରେ କିଛି ମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖୁ ଆଉ ତାର ବି ପରୀକ୍ଷା ଆମେ କରୁ ଗୋଟେ ପାପ୍ସ୍ମିୟର ବି ପରୀକ୍ଷା କରୁ ସେଇଟା ଯଦି ଆମ ଆଖିକୁ ବି ଦେଖାଯାଉନଥିବ ଆଉ ଏହା ଯଦି କିଛି ଅର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କିଛି କ୍ୟାନ୍ସର ଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ବାୟୋପ୍ସି ଟେଷ୍ଟ କରୁ ଏଇ ବାୟୋପ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଗର୍ଭାଶୟର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଡୋମେଟ୍ରିୟମ୍ ଥାଏ ଆଉ ସର୍ଭିକ୍ସ ଟିସୁ ଛୋଟ ମାଂସ ଖଣ୍ଡେ ନେଇକି ଆମେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେଇଥାଉ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରେ ଯେ ଏଇ ଆବ୍ନୋର୍ମାଲିଟି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଖିକରି ଆମକୁ କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କାରଣ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ରେଞ୍ଜର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଠାରେ ବି ଦେଖାଯାଏ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ୟୁନିଫର୍ମ ଚିକିତ୍ସା ନାହିଁ ସେଇ ପେସେଣ୍ଟର ବୟସ ଦେଖିଥିବ କେତେ ବୟସ କରି ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖୁ ହରମୋନ୍ କ'ଣ ମେଡିସିନ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଇଏ ଭଲ ହେଉଛି ନା କେତେ ପରିମାଣରେ ବ୍ଲିଡିଂ ହେଉଛି ଯଦି ଅଳ୍ପ ଜଷ୍ଟ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ହେଉଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ମେଡିସିନ୍ ଦେଇକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଦେଖୁ ତାପରେ କ'ଣ କାରଣ ଅଛି ଯଦି ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇବ୍ରଏଡ୍ ଅଛି କି ଆଡେନୋମାଇସିସ୍ ଅଛି ପଲିପ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ତ ସର୍ଜିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚୟ ପୁଣି ଏଇ ସର୍ଜିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର କେତୋଟି ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ତାର ଆଉ ଛୁଆ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ନାହିଁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଗର୍ଭାଶୟ ରଖିବା କିମ୍ବା ବାହାର କରିବା ଏଇ ଭିତରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ମତାମତ ଅଛି ଆମେ ଏଇସବୁ ମତାମତକୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯଦି ସପୋଜ୍ ଜଣେ ମହିଳା କହନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ଅଛି ମୁଁ ଆଉ ଛୁଆ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଫାଇବ୍ରଏଡ୍ରୁ ଖାଲି ଟ୍ୟୁମର୍ଟା ହିଁ କାଢ଼ି ଦେଉ ଆଉ ୟୁଟ୍ରସ୍କୁ ଆମେ ରଖିଦେଉ ଯଦି ସପୋଜ୍ ଜଣେ 85 ବର୍ଷର ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଟ୍ୟୁମର୍ ଅଛି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ତ ଆଗକୁ ଛୁଆ କରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରା ୟୁଟ୍ରସ୍ ଆଉ ଟ୍ୟୁମର୍ ଏକା ସମୟରେ ବାହାର କରିଥାଉ ସେପରି ଆମେ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା କରିଥାଉ ଏଠି ସେ ଟେଲର୍ମେଡ୍ ମାନେ କାହାକୁ କେମିତି ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଆଉ ବୟସ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଆଗକୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତାନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବାର ଅଛି ଏ କିମ୍ବା ରୋଗ କ'ଣ ରୋଗ ଅଛି ସପୋଜ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ କ୍ୟାନ୍ସର କୋଉ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି ଦେଖି ତାର ସେଇ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା କରିଥାଉ ପ୍ରତିଟି ମହିଳା ଏବଂ ଆଉ ମା ମାନେ
ନର୍ମାଲ ମେନ୍ସୁରାଲ ସାଇକେଲ କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ ନିଜେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଅବଗତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇଟା ଯଦି କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ବି ଛୋଟ ଛୁଆ ହଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ, ତାଙ୍କ ମା ମାନେ ବି ସେମାନେ ବି ସେମାନଙ୍କର ଝିଅମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଯଦି କମ୍ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଉଛି, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାର ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେମିତି ଭାବରେ ହର୍ମୋନାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାର ଚିକିତ୍ସା ଆଉ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର କାରଣ ଓ ନିରାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ଓଡ଼ିଆର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।